हेलो फ्रेंड, देखिए हमारे पास ये हीरो होंडा ग्लैमर बाइक आए हैं और इसका प्रॉब्लम है। देखिए ये जो हमारा स्पीडोमीटर है ये हमारा काम नहीं कर रहा है। जैसे हम इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो हमारा ओके सिग्नल जो है ये हमारा सही तरीके से हमको मिल रहा है, लेकिन हमारा जो स्पीडोमीटर है ये काम नहीं कर रहा है। तो हम एक बार आपको स्टार्ट करके गाड़ी को गियर में डाल के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, हम गाड़ी को गियर में डाल चुके हैं और देखिए हमारा जो स्पीडोमीटर है ये काम नहीं कर रहा है। देखिए तो फ्रेंड देखिए, हमारा जो स्पीडोमीटर है ये काम नहीं कर रहा है और हम लोग इसका जो वायरिंग है इसका पूरी वायरिंग को देख लिया है। हमारा वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हमारा इस मीटर में है। तो फ्रेंड इस मीटर में क्या हुआ है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड चलिए पहले मीटर को हम ओपन करेंगे और उसके बाद देखेंगे इस मीटर में क्या प्रॉब्लम है। तो फाइनली फ्रेंड देखिए, हम लोग मीटर को पूरी तरह से ओपन कर चुके हैं देखिए, और इस मीटर में प्रॉब्लम है फ्रेंड। हमारा ये जो स्पीडोमीटर है ये हमारा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो फ्यूल मीटर की जो डिस्प्ले है ये हमारा सही काम कर रहा है, और ये जो मीटर की जो स्पीडोमीटर है ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड इसको पहले हम इसका जो डिस्प्ले है इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो दोनों स्क्रू को हम यहाँ से पहले ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम इस डिस्प्ले को इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे और कोई नुकीली चीज़ों की मदद से हम यहाँ से निकाल लेंगे इसको, क्योंकि हमारा डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो स्पीडोमीटर है ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड डिस्प्ले अलग से मिलता है, अगर आपका बाइक में भी अगर डिस्प्ले ख़राब होता है तो आप पूरे मीटर को चेंज मत कीजिए, क्योंकि इसका डिस्प्ले अलग से मिलता है। आपको हम निकाल के दिखेंगे। देखिए ये हमारा मीटर की डिस्प्ले है और इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सही काम कर रहा है। और इसका जो स्पीडोमीटर है इसमें प्रॉब्लम है, ये स्पीडोमीटर हमारा काम नहीं कर रहा है। और ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ये डिस्प्ले अलग से मिलता है। और अगर आपका बाइक में भी अगर डिस्प्ले ख़राब होता है तो आप मीटर को पूरी मीटर को चेंज मत कीजिए, क्योंकि डिस्प्ले अलग से मिलता है, आप सिर्फ डिस्प्ले को भी बदल सकते हैं। और ये मीटर हमारा ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड ये हमारे पास एक पुरानी मीटर है और इसका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम जो है इसका जो स्पीडोमीटर है ये हमारा सही है और इसका जो डिस्प्ले है ये हमारा ख़राब है, लेकिन कस्टमर ने गलती से पूरे मीटर को लगा के लेके चला गया और ये मीटर हमारे दुकान में रह गया। तो इस मीटर को हम लोग काम में लगाएंगे। तो फ्रेंड इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो डिस्प्ले है ये ख़राब है और इसका स्पीडोमीटर हमारा सही है, सही काम कर रहा है। तो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, उस डिस्प्ले को इस मीटर में लगा के हम लोग गाड़ी में रिलीज़ करेंगे। तो एक बार मैं आपको इसको चेकअप करके आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है ये डिस्प्ले हम लोगों को क्लीन दिखाई नहीं देता है। तो एक बार हम आपको दिखाएंगे, पहले इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसका डिस्प्ले कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो दिखाई दे रहा है ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है। तो इसी के कारण हमारा कस्टमर ने इस पूरे मीटर को गलती से खरीद के लेके आया था और चेंज करके लेके चला गया। तो फ्रेंड इस मीटर में हमारा प्रॉब्लम है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम है और इसका जो स्पीडोमीटर है ये सही है। तो फ्रेंड उस मीटर की जो डिस्प्ले है इसमें लगा के हम लोग गाड़ी में रिलीज करेंगे। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, फाइनली हम लोग उस डिस्प्ले को इस मीटर में सेटिंग कर रहे हैं और इसको एक न्यूक्लियस चीज की मदद से हम लोग निकाल लिया है। तो इसका जो स्क्रू है इसको भी हम लोग फाइनली टाइट कर देंगे। और सारे जो स्क्रू है इसको हम फाइनली टाइट कर रहे हैं देखिए, और हम आपको एक बार चेकआउट करके भी आपको दिखाएंगे।
तो फाइनली फ्रेंड हम लोग सारे स्क्रू को टाइट कर चुके हैं और हम लोग मीटर को सेटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसमें 10 नंबर की 3 नट होता है, तो इसको हम फाइनली टाइट कर लेंगे अभी। और इसका जैक जो है इसको हम फाइनली सेटिंग कर रहे हैं। देखिए ये जैक को आपको इस तरीके से आपको घुसा देना है। और फ्रेंड देखिए इग्निशन को ऑन करके हम आपको दिखाएंगे। और देखिए हमारा डिस्प्ले तो पहले से सही था और ये हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और हमारा जो मीटर है ये भी हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।